कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है माँ का आशीर्वाद और प्यार, और वो आज मिल रहा है इन बच्चों को। आई एम सो हैप्पी, वेलकम टू ऑल द मदर्स। ये भोकाली एंट्री कराने के लिए और महसूस कराने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है। सिक्स फाइनलिस्ट की आज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनन्या अपनी मां का सपना लेकर इस मंच पर आई थी और आज मैं चाहता हूं इस मौके पर अनन्या अपनी सबसे पहली गुरु के बारे में हमसे कुछ कहे। आइए अनन्या। मेरी मां हमेशा कहती थी कि कुछ भी हो जाए कभी म्यूजिक मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी का जो हुआ था कैंसर, उस सिचुएशन में मम्मी ने कैसे हैंडल किया वो चीज़ मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा मम्मी के लिए, मम्मी के सपने पूरे करने के लिए। यहाँ पे मुझे इतने अच्छे भाई बहन मिले, तुम सबको थैंक यू। आज आद्या की मम्मी मेरी मम्मी की साड़ी भी पहनी है, थैंक यू आंटी मम्मी की साड़ी पहनने के लिए। तुमने इतने प्यार से इसको दिया था, मुझे भी दिया था ये साड़ी इसने। आई रिमेम्बर दिस साड़ी जब उसने आपको दिया था। लगा
सभी माओं को तुमने जो ट्रिब्यूट दिया और ये एहसास हम सभी के अंदर है, माँ सब कुछ है, माँ सृष्टि है, माँ प्यार है, माँ इबादत है, माँ सब कुछ है, माँ से शुरू होता है, माँ से ही अंत होता है। इतना खूबसूरत गाया तुमने। मैं भी मेरे मामी को बहुत चाहता था। सारे मामियाँ जो है तुमको बहुत दुआएं देगी, तुम्हारे माँ जहाँ पर कोई भी है वो तुम्हें बहुत भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे ऊपर उनका साया है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द फिनाले। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत कीजिए अंजना की मम्मी कल्याणी पद्मनाभन जी का। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरी बेटी अंजना बहुत नर्वस थी पहले ही, मम्मा ये प्रोग्राम में ज्वाइन करूं और नहीं करूं, क्योंकि पहली बार एक इंडियन आइडल जूनियर तो जीत चुकी हूं। बट आई एम सो हैप्पी, बहुत प्राउड ये अभी इतनी दूर तक आई। पहली बार मैं देख रही हूं ऐसे ही वेस्टर्न का रूप अंजना का, और रॉक स्टार का नाम इधर ही मिला अंजना को। आई एम बहुत प्राउड, बहुत प्राउड कर प्रेजेंट प्रेजेंट आवर डायमंड ऑफ अवर फैमिली कुट्टी माँ ऑन स्टेज। उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल माई हस्बैंड, द डायमंड ऑफ योर आईज। यस यस, वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अंजना पद्मनाभन। थैंक यू सो मच। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, हमारी सारी जो मम्मियां हैं यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा डांस का एक स्पेशल चीज प्लान किया है। आंटी आ जाओ, आ जाइए, आइए आइए। लेकिन डांस तो कोई ना कोई सॉन्ग पे ही होगा। कौन सा सॉन्ग? तो गाना गाएगा कौन? शानुदा गाएंगे, शानुदा गाना गाएंगे। मम्मियों के राजा कौन? शानु राजा। मम्मियों के राजा कौन? शानु राजा। मामी का कुछ भी होता है तो मुझे बुलाया जाता है, क्यों रे ऐसा? क्योंकि हम सारे सिंगर्स के बाप हो ना, इसलिए। I am ready. मम्मियों के राजा कौन? शानु राजा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। Come on, मम्मे। शानु राजा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, अरे लिखता हूँ अभी से नाचना नहीं, अभी खाली एक्सप्रेशन देना और बीच बीच में खाली लिखते रहना। तू मेरी एडलिब है, अभी एडलिब है मामी। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ एक खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तोली
इस धड़कन में गूंज रही है तू, आजा मां, आजा मां, आजा मां। माँ स्पेशल में अब बारी है हमारी अगली स्पेशल माँ को यहाँ पर बुलाने की। नमस्ते, मैं पीयूष की माँ हूँ। वैसे इंडियन आइडल भी मेरे पीयूष के लिए एक माँ की तरह है, जो एक नए पीयूष को जन्म दिया। मुझ पर दिल चाहता है। मैंने तो इसको स्माइल वाला पीयूष भेजा था, आपने इसे स्टाइल वाला पीयूष बना दिया। ओ सबरिया, ओ
कुजरिया। एक तरह पीयूष था, एक तरह पीयूषी थी। अब तो ये एक्टिंग भी करता है, नाचता भी है और गाता भी है। सुन बंडी, सर सर थोड़ा फैन वैन चालू कर। इस इज ऑन सर। हाँ तो इधर घुमाना यार। हमारा पागलपन पावर स्टार पीयूष इज रेडी। अब तू मेरे पास होता तो मैं रोज तेरे एक काला टीका लगाती, क्योंकि अब तू ऋतिक रोशन से कम नहीं लगता है। तो मैं गर्व से अपने राम को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, तो स्वागत कीजिए पीयूष पवार का। गा दे बेटा। कभी जन्नत कभी तीरथ कभी काबा बन गई। जब उठा बाप का साया तो माँ ही बाबा बन गई। जब जब टूटने लगी मुझसे उम्मीदें दुनिया की, जिसने जोड़ा मेरी हिम्मत को, माँ वो धागा बन गई। प्लीज वेलकम शीला दास जी। मैं
मैम को नमस्ते बोल रहा हूँ. नमस्ते. मेरा लड़का जो अब 2019 में इंडियन आइडल में आता है, अलबेला सजन आयो, उसको पापा डेथ होने के बाद बोला जो तुम आइडल में ये गाना गाओ. 19 में वो टॉप 15 में गया, अभी वो एलिमिनेशन हो जाएगा. घर जाके बहुत रोता है. कुछ लोग मेरा रिलेटिव सब बोला हावड़ा में तुम थाली लेके भीख मांगोगे. कोई बोला तुम एंटरटेनमेंट बॉय हो, ये सब गंदा गंदा गाली उसको दिया. मैं रोता थी, वो रोता है. हम बोला सुबह तू गाना गा, गाना का ब्राइट फ्यूचर है. मैं तो गाना का आदमी हूँ, मैं जानता है गाने का कितना रिस्पेक्ट है. आज आबार वो 3 साल बाद इतना रियाज करके कि जो इंजीनियर का जॉब छोड़ के इंडियन आइडल में आया, टॉप 6 में गया. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड ऑफ यू. लेजेंड श्याम मैम ने उसको उस्ताद बोला. मैं तो बहुत खुश हुआ जे मैम इतना बड़ा आशीर्वाद उसको दिया. ये तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते. यू आर द ट्रू उस्ताद ऑफ आवर इंडियन आइडल सीजन 14. मैं चाहता हूँ ये ट्रॉफी कलकत्ता ही जाएगा, सुबह ही विनर बन जाएगा. ये मेरा आखिरी इच्छा है. इंडियन आइडल ए मंच में मैं उस्ताद शुभदीप दास चौधरी को बोल रहा हूँ गाना गाने के लिए. I'm not afraid.
गाना ऐसा गाना है ना, ओह ये गाना है तो लोरी, पर आई थिंक एज अ सन आई फील कहीं ना कहीं ये गाना एक थैंक यू जैसा गाना है। माँ का अगर हाथ है सर पे सब कुछ अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है लाइफ में। उस इमोशन को आप इतने बेहतरीन तरीके से इस गाने में लाए। आप उस्तादों वाली गायकी रखते हैं, पर इस तरह की गायकी में आपको इतना डूब के गाते हुए देखने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हर जॉनर का गाना तुम गा सकते हो, ये तुमने प्रूव कर दिया। मामी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मामी जी, आप अपने बेटे के लिए अपने मुंह से हिट से ज्यादा लिट है, ये बात आपको बोल। परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। ये मेरी माँ ऐसी है, 2012 में पापा चले गए अचानक, इतना तो समझ में आया कि घर में जो अच्छे अच्छे मतलब कुछ चीजें चेंजेस तो आ गई जिंदगी में, कि जैसा था लाइफ हमारा पापा जब थे, मैं एकदम ही वैसा था कि बिंदास रहता था। हमारे घर के जो पीछे एक जगह है, वहाँ पे मैं मम्मी को 3 से 4-5 साल देखता रहा कि मम्मी ईटा लगा के उसमें पत्ते वत्ते लेके उसमें खाना बनाती है। मैं भी सोचता था ऐसे क्यों करते हो, बाहर के लोग क्या बोलेंगे, पर मम्मी गैस के पैसे बचा रही थी। टेंथ में हमारे स्कूल में हिमाचल जाना था, 8,000 रुपया लगने वाला था, तो मैंने जैसे बोला मम्मी अगले दिन पता नहीं स्कूल में गई और वो करा भी दी, और 2-3 दिन बाद पता चला कि मैं हिमाचल जा रहा हूँ, तो मैं तो खुशी से चला गया। मम्मी और दीदी कैसी थी मुझे पता नहीं। ऐसे बहुत चीज़ें मैं मम्मी मैंने किया, मुझे समझ नहीं थी, मैं ना समझ था। माँ मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आपको, मैं अभी समझ चुका हूँ लाइफ को, कम से कम मम्मी बोल रही है थैंक यू। सो स्वीट। हमारे जो एकेडमी है पापा का, जो वो 1990 पापा ने शुरू किया था, फिर पापा जब चले गए बंद हो गया, तो मम्मी वो आप जैसे घर जा जा के सिखाते थे ना माँ, आपको वो और इस तरीके से नहीं करना होगा। और जो सबसे बड़ी एक थी जो आपने और पापा ने शुरू किया था हमारा एकेडमी, तो उसका एक जो बोर्ड है, पहला जो बोर्ड है ऑफिशियल बोर्ड, वो मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसको इनॉग्रेट करें। मैं तो यही चाहूँगी कि शुभो इतना बड़ा एक दिन है, आज मम्मी का एकेडमी खुल गया, तो एक कुछ गाओ ना, तो फिर तो मात बन जाएगी। पापा और मम्मी ने जो मुझे राग यमन सिखाया था बचपन में, तो उसमें ये गाना सुना था उस राग की। वाह क्या बात है।
शुक्रिया। तालियों से स्वागत कीजिए नायाब बेटी की नायाब माँ, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुषमा मिश्रा जी। सर मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं पता नहीं कितना यहाँ बोल पाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आद्या के बारे में क्योंकि ये बहुत छोटी थी तभी से ये बहुत गुनगुनाती रहती थी। थोड़ा डिसिप्लिन की कमी है, थोड़ी चंचल है, फ्लाइट भी मिस कर दिया था जैसे। भैया भैया मैं गेट बंद करना। योर नेम? आद्या मिश्रा। आद्या मिश्रा इज यस सर। ऑडिशन में भी मेरे को विश्वास नहीं था कि शायद अच्छा कुछ हो पाएगा, लेकिन जब इसने ऑडिशन दिया श्या मैम उठ के आ गए, विशाल सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, शानुदा ने अप्रिशिएट किया, तब डर भाग गया। मुझे लगा कि नहीं कुछ अच्छा हो गया आज।
दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि इंडियन आइडल देश का सबसे बड़ा मंच है और यहाँ का टैलेंट दुनिया का सबसे उम्दा टैलेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये सीजन खत्म होने से पहले ही हमारे सभी सिंगर्स का इंटरनेशनल, या यू हर्ड इट राइट, जी हाँ, इंटरनेशनल शोज बुक हो चुके हैं, वो भी यूके, मॉरिशस, यूएसए, कैनेडा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में। जल्दी होने वाला है आइडल का वर्ल्ड टूर और इन सिंगर्स के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, वर्ल्ड टूर पे जाना और झंडे गाड़ के आना और मुझे भूल मत जाना। विश यू गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।